पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का 3 दिवसीय कार्यक्रम 18 मार्च से 20 मार्च तक होगा। इसको लेकर बुधवार को लोहिया स्टेट नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में भूमि पूजन किया गया। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। कथा व्यास पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जाना है। भूमि पूजन कथा स्थल पर देवी देवताओं का आह्वान किया गया। मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, अनिल कुमार शर्मा रहे। विनीत कुमार गुप्ता लोहिया ने बताया कि 17 मार्च को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 18 मार्च को शहर में आगमन होगा। अपराह्न 2 बजे से हनुमंत कथा का शुभारंभ होगा। 19 मार्च को दिव्य दरबार सुबह 9 बजे से चलेगा। इस अवसर पर पीयूष लोहिया, अनमोल लोहिया, पंकज सक्सेना, राकेश गुप्ता, देवेंद्र बिष्ट, विनीत गुप्ता, गौरव अग्रवाल, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, विनोद राय, जयदेव यादव के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का जो कार्यक्रम है वो भूमि पूजन का आज जो है शुभारंभ हुआ है नीम करौली बाबा ट्रस्ट की तरफ से। बाबा बागेश्वर धाम के श्री माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो 18, 19 और 20 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। उनके द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद की जनता के लिए एक पूरा आशीर्वाद हनुमान जी का मिलना है, तो उसी के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने भक्तों का लग रहा है, कितने भक्त आएंगे, लगभग क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था हम लोगों ने लगभग 2 लाख लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की है, ताकि 2 लाख लोग यहाँ पर आएं और वो लोग कथा का श्रवण सुन सकें और पुण्य का लाभ उठा सकें। हाँ, पहली दफ़ा ही मुरादाबाद के अंदर ये हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। अभी 1 महीना पहले फरवरी में रमेश भाई ओझा जी द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत सफल आयोजन रहा। यहाँ की मुरादाबाद की जनता को ने उससे बहुत जो संदेश वो दे के गए थे, उस संदेश का बहुत लाभ यहाँ की जनता को पहुँचा और लोगों ने, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब हम भी आदर्श जो भगवान राम ने दिखाए थे कथा के बाद, वो हमको याद आए हैं, अब हम लोग भी उस पर चलने की चेष्टा करेंगे। ये कथा स्थल जो है वो लोहिया स्टेट पाकबड़ा के अंदर नया मुरादाबाद में ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 17 तारीख को कलश यात्रा का आयोजन रहेगा, जो कि कालेश्वर धाम महाकालेश्वर धाम मंदिर से शुरू होगी और यहाँ कथा स्थल तक पहुँचेगी।